हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं इस टाइप का जो 3D वीडियो एडिटिंग है, आप भी इस टाइप का 3D वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहो, और अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो गाइस इस वीडियो बनाने लिए आपको एलर्ट मोशन का जरूरत पड़ेगा। आपके पास एलर्ट मोशन प्रो वाला नहीं है तो मेरे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वो वाला एलर्ट मोशन आपको डाउनलोडिंग कर लेना। उसके बाद आपको दो प्रेशर लिंक मिल जाएगा, वो वाला प्रेशर आपको इनपुट कर लेना एलर्ट मोशन से। एलर्ट मोशन से प्रेशर लिंक कैसे इनपुट करता नहीं पता तो ऑलरेडी वो वाला टॉपिक का एक वीडियो बनाकर रख लिया है डिस्क्रिप्शन में, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, एलर्ट मोशन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको उसके बाद आपको क्या करना, प्रोजेक्ट में आ जाना। यहाँ आपको मिल जाएगा, देखो सॉन्ग्स बिटमैप आपको इनपुट कर लेना है, और जो इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट आपको इनपुट कर लेना है, दोनों प्रोजेक्ट आपको इनपुट कर लेना है। ओके, ये दोनों आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, सॉन्ग्स बिटमैप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको उसका फॉन्ट जो मिलेगा आपको फॉन्ट दे देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ओके गाइस यहाँ से आपको क्या करना, देखो आपको फॉन्ट मिल जाएगा, देखो ये वाला आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको एडिट टेक्स्ट पर जाना है, यहाँ आपको फॉन्ट ऐड कर लेना। फॉन्ट कैसे ऐड करते नहीं पता तो ऑलरेडी वो वाला टॉपिक एक वीडियो बना कर दूंगा, आप देख सकते हो। ओके गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको ओके कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको यहाँ पर आपको PNG ऐड करना। कैसे PNG ऐड करना, सब कुछ बताने वाला था। एक बॉयस का फोटो, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस में जाना है, मीडिया में जाना है, और यहाँ से आपको कोई भी एक फोटो डिमो दिखाने के लिए आपको एक फोटो ऐड कर लेते हैं आपको। ओके, ऐसे आपको फुल स्क्रीन कर लेना, देख लेना है। ओके, तो चलो ये वाला फोटो हम ऐड कर लेते हैं आपको डिमो दिखाने के लिए। ये फोटो लग गया, उसे आपको क्या करना है, थोड़ा जेड पर जाएंगे और यहाँ हम जाएंगे, देखो फोटो के पीछे चलेगा, थोड़ा ऊपर लाएंगे और इतना ही बराबर हम फोटो को रख लेंगे। ओके, इतना बराबर हम फोटो को हम रख लेंगे, देखो रख लिया। उसके बाद पहले वाला जो उसका लेंथ जो आपको बढ़ा लेना है। ओके, ऐसे आपको लास्ट तो आ जाना है, उसका फोन लेंथ जो होगा यहाँ तक आपको 12 सेकंड में आपको ले जाना है। ओके, यहाँ वाला क्लिक कर लेंगे और नीचे वाला फोटो जो पहले था आपको फोटो वाला फोटो डिलीट कर लेना है। ओके, इस तरह आप फोटो चेंज कर लेना है। ओके, इस तरह आपको फोटो चेंज कर लेना है। ओके, इस तरह आपको यहाँ भी आपको फोटो चेंज कर लेना है, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। देखो कैमरा ऑन देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर लगा है। देखो ये वाला फोटो आपको चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, यहाँ से आपको क्या करना, फिर से आपको आगे चले जाना, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ से आपको क्या करना, फोटो ऐड करना है, जितना भी यहाँ आपको फोटो लगेगा सारे फोटो आपको ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करना बताने वाला हूँ। ओके, देखो ऐसे आपको आ जाना है, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ से लेकर आपको फोटो ऐड करना है, प्लस में जाना, मीडियम में जाना है, और अपना फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा फोल्डर में आपको फोटो है वो वाला फोल्डर हम ओपन कर लेंगे। ओके, ऐसे आपको आगे चले जाना है, कौन सा फोटो आप ऐड करना चाहते हो तो चलो फोटो को ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम ऐड कर लेंगे फोटो, ऐसे आपको ऐड कर लेना, सिंपली 3 लाइन पर टच करके फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है, और थोड़ा कुछ आपको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट करके आपको ये वाला फोटो का जो आपको कट लगा लेना है। ओके, इस तरह आपको फिर से आपको प्लस में जाना, मीडियम में जाना है, और एक फोटो ऐड कर लेना है। ऐसे आपको करके जितना आपको बिटमैप दिखेगा सारे बिटमैप फोटो को ऐड करना, प्लस में जाएंगे, मीडियम में जाएंगे, और फोटो में क्लिक करके 3 लाइन पर क्लिक करके आपको फिल कंप्रेशन एरिया करके नेक्स्ट बिटमैप आ जाना है, और कट वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है। ओके, इस तरह आपको सारे फोटो आपको ऐड कर लेना है, जितना आपको बिटमैप है सारे बिटमैप आपको फोटो ऐसे फिल कर लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करके कट कर लेना। तो चलो फोटो को हम ऐड कर लेते हैं। ओके ओके दोस्तों, देखो मैंने सारे फोटो यहाँ पर बिटमैप हिसाब से मैंने भर लिया, देखो सारे फोटो मैंने ऐड कर लिया। आप भी इस तरह सारे फोटो ऐड कर लेना है, उसके बाद क्या बैग जाना है, और यहाँ आपको फिर वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करना पहले वाला फिर जो आपको देख रहे हो यहाँ पर, आपको यह पहले वाला फिर आपको कॉपी कर लेना है। ओके, यहाँ से जाकर आपको कॉपी कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको बैग जाना है, और फिर से आपको बिटमैप ओपन कर लेना है, फिर से आपको आगे चले जाना है। ओके, ऐसे आपको आगे चले जाना है, कहाँ से आपको फोटो ऐड करते हैं वहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। ऐसे आपको नीचे लिखा होगा आ जाएगा, देखो इफेक्ट वगैरह सब कुछ आपको, देखो इफेक्ट यहाँ से लेकर आपको ए वाला तक इफेक्ट वन लगेगा। ओके, दो फोटो पर आपको इफेक्ट वन लगेगा, इस वाला फोटो को क्लिक करके इफेक्ट में क्लिक करके यहाँ जाकर आपको पेस्ट कर लेना। ओके, इस तरह आप कैमरा ऑन कर सके देख सकते हो। उसके बाद फिर से आपको आगे चले जाना, थोड़ा कुछ आपको आगे चले जाना, ये वाला फोटो क्लिक करके इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट कर लेना। ओके, इस वाला फोटो हम छोड़ देंगे, ये तो दोनों में लगेगा, यहाँ पर आपको फिर एक एलिमेंट लगेगा। फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाकर आप पेस्ट कर लेना, फिर से आगे चले जाना है, इस वाला फोटो भी आपको एक नंबर लगेगा, ऐसे आपको पेस्ट कर लेना। देखो नीचे लिखा है, यहाँ से आपको यहाँ तक आपको दोनों फोटो लगेगा, दोनों इफेक्ट यहाँ पर आपको एक नंबर लिखेगा, यहाँ से भी आपको एक नंबर लगेगा। ओके, इस वाला फोटो क्लिक करके इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट कर लेना है, फिर से आगे चले जाना है, फोटो में क्लिक करके आपको इफेक्ट जाकर पेस्ट कर लेना है। इस तरह आपको देख देख कर आपको इफेक्ट लगा लेना है, यहाँ आपको दो नंबर लगेगा छोड़ देना है, ये तो एक नंबर ऐड करना है आपको, ऐसे क्लिक करके इफेक्ट आगे पेस्ट कर लेना है, फिर से आपको आगे चले जाना है, इस वाला फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाकर आपको पेस्ट कर लेना है।
इस तरह आपको देख देखो जितना भी आपको एक नंबर लगेगा सारे में ऐड कर लेते हैं। ओके, मैंने सारे में लगा लिया, देखो एक नंबर रिफर मैंने खत्म कर लिया, सारे में लगा लिया, सारे फोटो मैंने एक नंबर रिफर लगा लिया। उसके बाद बैग जाना है और फिर से आपको रिफर वाला प्रोजेक्ट ओपन करके आपको दो नंबर रिफर जो आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से जाएंगे रिफर में, अगर आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर से आपको बैग जाना है सिंपली, उसके बाद आपको बिडमार ओपन कर लेना, फिर से आपको आगे चले जाना है। ओके, ऐसे आपको आगे चले जाना, उसका कैमरा जो आप ऑन कर देख सकते हो। ओके, यहाँ से आपको आगे चले जाना है, यहाँ आपको देख लेना कहाँ कहाँ पर आपको दो नंबर इफेक्ट लगेगा, वहाँ पर आपको दो नंबर इफेक्ट पेस्ट कर लेना है। ये वाला फोटो में हम दो नंबर लगेंगे, इफेक्ट में क्लिक करके आपको पेस्ट कर लेना है, फिर से आपको सिंपली ये वाला आपको छोड़ देना, फिर से आपको दो नंबर इफेक्ट पर आ जाना है और फोटो में क्लिक करके इफेक्ट में जाकर पेस्ट कर लेना है। ओके, ये वाला छोड़ देंगे, फिर से आपको ये वाला फोटो में क्लिक करेंगे, इफेक्ट में अगर आपको पेस्ट कर लेना है। इस तरह आपको जितना आपको मिलेगा दो नंबर इफेक्ट सारे में आपको लगा लेना है। एक वाला छोटा वाला है, उसे हम इफेक्ट में क्लिक करेंगे और पेस्ट कर लेंगे, इस तरह आपको कर लेना है। ओके, यहाँ तो इफेक्ट वन है, ये वाला इफेक्ट टू है, ऐसे आपको देख लेना पहले इफेक्ट वन है या टू है, आपको पेस्ट कर लेना है। ओके, फिर से आपको एक नंबर है, ये वाला लास्ट वाला जो है आपको दो नंबर लगेगा, इफेक्ट में क्लिक करके आपको पेस्ट कर लेना है। ओके, सिंपली इतना है आपको कर लेना है, सब कुछ आपको फोटो वगैरह जितना इफेक्ट वगैरह सबको आपको चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाकर आपको वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर देना है। ओके, सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।